नमो मंजुनाथा, धर्मस्थल दा नन्ना प्रीतिया, बंधु भगिनी अरे निमगेल्ला नन्ना नमस्कार गलो। नन्ना प्रीतिया सोदरियरिगे विशेष अभिनंदन हेळु। मंच पर विराजमान जनसेवा ही प्रभु सेवा, इस मंत्र को जिन्होंने जी करके दिखाया, सादगी सरलता आध्यात्मिक उच्च परंपराओं का निर्वाह करने वाले डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, श्रीमान येदुरप्पा जी, श्रीमान सदानंद गौड़ा जी, अनंत कुमार जी, हमारे सांसद भाई नलिन जी, विधायक जी बसन जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान मंजुनाथ के चरणों में आकर के आप सबके दर्शन करने का भी अवसर मिला। पिछले सप्ताह में केदारनाथ जी में था, आदि शंकराचार्य जी ने हजारों वर्ष पहले उस जगह पे राष्ट्र की एकता के लिए कितनी बड़ा भव्य साधना की होगी। आज मुझे फिर एक बार दक्षिण की तरफ मंजुनाथेश्वर के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। मैं नहीं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी नाम के किसी व्यक्ति को डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का सम्मान करने का हक है कि नहीं है। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका जीवन, 20 साल की छोटी आयु में वन लाइफ वन मिशन, ये अपने आप को समर्पित किया और आज बड़ा देर से सुना, नेचुरल है इतना देर से। ऐसे एक व्रतस्थ जीवन, उनका सम्मान करने के लिए व्यक्ति के नाते मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में जिस पद पर आपने मुझे बिठाया है,
उस पद की गरिमा के कारण सार्वजनिक जीवन में और वो भी आध्यात्मिक अधिष्ठान पर ईश्वर को साक्ष्य रख के आचार और विचार में एक सूत्रता, मन वचन कर्म में वही पवित्रता, और जिस लक्ष्य को जीवन में तय किया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्व के लिए नहीं समष्टि के लिए, अहम के खातिर नहीं वयम के खातिर, मैं नहीं तू ही, उस जीवन को जीना हर कदम पर कसौटी से गुजरना पड़ता है, हर कसौटी से हर तराजू से अपने हर वचन को अपने हर कृति को तोला जाता है। और इसलिए 50 साल की ये साधना ये अपने आप में हम जैसे कोटि कोटि जनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और इसलिए मैं आपको आदरपूर्वक वंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। और जब मुझे सम्मान करने का सौभाग्य मिला तो बड़ी सहजता से, और मैंने देखा है हेगड़े जी को जितनी बार मिला हूं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कभी हटती नहीं है। कोई भारी भरकम काम का बोझ नजर नहीं आता है, सहज सरल निस्पृह, जैसे गीता में कहा है निष्काम कर्मयोग। और सम्मान कर रहा था तो उन्होंने सहज रूप से मुझे कहा, मोदी जी ये 50 साल पूरे हुए इसका सम्मान नहीं है, आप तो मेरे से आगे 50 साल ऐसे ही काम करूं इसकी गारंटी मांग रहे हो। इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती हो, ईश्वर के आशीर्वाद हो, 800 साल की महान तपस्या विरासत में मिली हो, उसके बावजूद भी जीवन को प्रति पल कर्म पथ पर ही आगे बढ़ाना, ये मैं समझता हूं हेगड़े जी से ही सीखना होगा। चाहे विषय योग का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, ग्रामीण विकास का हो, गरीबों के कल्याण का हो, भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए योजनाओं का हो, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ने अपने चिंतन के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा उन्होंने इन सब चीजों को यहां की स्थल काल परिस्थिति के अनुसार ढाल करके आगे बढ़ाया है। और मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है, कई राज्यों में और देश में भी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जितने काम चल रहे हैं उसके तौर तरीके, काम की पद्धति क्या हो, किस प्रकार से किया जाए,
उसकी बहुत सारा मॉडल डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ने यहां जो प्रयोग किए हैं उसी से मिला है। आज 21वीं सदी में दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी स्किल डेवलपमेंट की चर्चा करता है। स्किल डेवलपमेंट प्राइम सेक्टर के रूप में माना जाता है। भारत जैसा देश जिसके पास 800 मिलियन 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम गर्व करते हो, उस देश में स्किल डेवलपमेंट वो भी सिर्फ पेट पूजा के खातिर नहीं, भारत के भव्य सपनों को साकार करने के लिए अपने कौशल्य को बढ़ाना, विश्व भर में ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी आने वाले युगों में उसको परिपूर्ण करने के लिए अपनी बाहुओं में वो सामर्थ्य लाना, अपनी हस्त के अंदर वो सामर्थ्य लाना, वो हुनर को प्राप्त करना, ये चीज डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ने बहुत सालों पहले देखी थी और उस काम को आगे बढ़ाया था। और मैं इस काम, इस महत्वपूर्ण काम को गति देने के लिए हमारे यहां तीर्थ क्षेत्र कैसे होने चाहिए, संप्रदाय आस्था परंपराएं उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस विषय में जितना अध्ययन होना चाहिए दुर्भाग्य से नहीं हुआ है। आज विश्व में उत्तम प्रकार की बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल कैसी चल रही है उसकी तो चर्चा होती है, उसका रैंकिंग भी होता है, देश के बड़े बड़े मैगजीन भी उसका रैंकिंग करते हैं। लेकिन आज मैं जब धर्मस्थल जैसे पवित्र स्थान पर आया हूं तब डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी के श्री चरणों में पहुंचा हूं तब मैं दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से निमंत्रण देता हूं, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को निमंत्रण देता हूं कि हम अस्पतालों का सर्वे करते हैं, उनकी कार्यशैली का अध्ययन करते हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेजों का रैंकिंग करते हैं, कॉमर्स कॉलेजों का रैंकिंग करते हैं, भांति भांति प्रकार के रैंकिंग की चर्चा भी होती है। लेकिन समय की मांग है, सदियों से हमारे देश में हमारी इस ऋषि मुनि परंपरा ने किस प्रकार से संस्थाओं को बनाया है, किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो संस्कार संक्रमण कैसे किया है, उनकी निर्णय प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रेशन को किस प्रकार से उन्होंने अपनत्व किया हुआ है, युगानुकूल परिवर्तन कैसे लाए हैं, समय और काल के अनुसार समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने इस संस्थाओं की प्रेरणा को जीवंत कैसे रखा है। और मैं मानता हूं हिंदुस्तान में ऐसी एक दो नहीं, हजारों संस्थाएं हैं, हजारों आंदोलन है, हजारों संगठन है जो आज भी कोटि कोटि जनों के जीवन को प्रेरणा देते हैं, स्व से निकल करके समष्टि के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं। और उसमें धर्मस्थल 800 साल की विरासत ये अपने आप में एक उदाहरण ही है। अच्छा होगा दुनिया के यूनिवर्सिटीज भारत के ऐसे आंदोलनों का अध्ययन करें, देखें, दुनिया को आश्चर्य होगा कि हमारे यहां क्या व्यवस्थाएं थी, कैसे व्यवस्थाएं चलती थी,
समाज के अंदर आध्यात्मिक चेतना की परंपरा को कैसे निभाया जाता था। हमारे भीतर जो सदियों से पली अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों के प्रति गर्व करते हुए समयानुकूल और अच्छे बनने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने होता है। और मुझे विश्वास है कि सिर्फ आस्था तक सीमित न रहते हुए उसके वैज्ञानिक तौर तरीकों की तरफ भी देश की युवा पीढ़ी को आकर्षित करने की आवश्यकता है। अब आज मुझे यहां विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको रुपे कार्ड देने का अवसर मिला, जिन लोगों ने संसद में गत नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के दरमियान जो भाषण हुए हैं उसको अगर सुना होगा, न सुना हो तो रिकॉर्ड पर आप पढ़ लीजिए। हमारे बड़े बड़े दिग्गज लोग, अपने आप को बड़ा तीक्ष्णार्खा मानने वाले लोग, विद्वत्ता में अपने आप को बहुत चोटी के व्यक्ति मानने वाले लोग सदन में ये बहुत बातें बोलते थे कि हिंदुस्तान में तो अशिक्षा है, गरीबी है, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा, लोग कैशलेस कैसे बनेंगे, ये इम्पॉसिबल है, लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है। न जाने जितना बुरा बोल सकते हैं, जितना बुरा सोच सकते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ने सदन में उठी उन आवाजों को जवाब दे दिया। गांव में बसने वाली मेरी माताएं बहनें शिक्षित है कि नहीं है, पढ़ी लिखी है कि नहीं है, आज उन्होंने संकल्प किया है और 12 लाख लोग कम नहीं, 12 लाख लोगों ने संकल्प किया है कि वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूरा कारोबार कैशलेस करेंगे, नगद के बिना करेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, रुपए कार्ड से करेंगे, भीम ऐप से करेंगे। अगर अच्छा करने का इरादा हो तो रुकावटें भी कभी कभी तेज गति को पाने का अवसर प्रदान कर देती हैं, और वो आज डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ने दिखा दिया है। मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं कि आपने भावी भारत के बीज बोने का एक उत्तम प्रयास, डिजिटल इंडिया, लेस कैश सोसाइटी, उस तरफ देश को ले जाने के लिए और उस क्षेत्र के लोगों को स्पर्श किया है जिन तक शायद सरकार या बैंकिंग सिस्टम को जाते जाते पता नहीं कितने दशक लग जाते हैं। लेकिन आपने नीचे से व्यवस्था को शुरू किया है और आज उसको करके दिखाया है। मैं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को भी बधाई देता हूं, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने देश के लिए उपयोगी एक बहुत बड़े अभियान को प्रारंभ किया है। अब वक्त बदल चुका है और ये जो करेंसी है, जो नगद है, हर युग में बदलती रही है। कभी पत्थर के सिक्के हुआ करते थे, कभी चमड़े के सिक्के हुआ करते थे, कभी सोने चांदी के हुआ करते थे, कभी हीरे जवाहरात के रूप में हुआ करते थे, कभी कागज के भी आए, कभी प्लास्टिक के आए। बदलता गया है, समय रहते बदल गया है। अब वो डिजिटल करेंसी का युग प्रारंभ हो चुका है। भारत ने देर नहीं करनी चाहिए। और मैंने देखा है कि ज्यादा नगद
सामाजिक बुराइयों को खींच करके ले आती है। परिवार में भी अगर बेटा बड़ा होता है, बेटी बड़ी होती है, माँ बाप सुखी हो, संपन्न हो, पैसों की कोई कमी ना हो, तो भी एक सीमा में ही उसको पैसे देते हैं। इसलिए नहीं पैसे खर्च करने से वो डरते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर ज्यादा धन उसके जेब में होगा तो बच्चों की आदत बिगड़ जाएगी, और इसलिए थोड़ा थोड़ा देते हैं और पूछते रहते हैं, भाई क्या किया, ठीक खर्चा किया कि नहीं किया। जो परिवार में संतानों की चिंता करने वाले मां बाप हैं, वो ये भली भांति जानते हैं कि अगर जेब में पैसे होते हैं तो पता नहीं कहां से कहां रास्ते भटक जाते हैं, और इसलिए ये बहुत बड़ा काम समाज को स्वयं की स्वयं के साथ अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत बड़ी बात होती है। स्वयं की स्वयं के साथ अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज जिस दिशा में डॉक्टर हेगड़े जी ले जा रहे हैं, मैं समझता हूं उस बात के लिए एक बहुत बड़ा महामार्ग खोल रहे हैं। आज और भी एक काम हुआ है, इस लोगो का लोकार्पण हुआ है, और वो भी पृथ्वी के प्रति, धरती माता के प्रति हमें हमारा कर्ज चुकाने की प्रेरणा देते हैं। हम तो ये मानते हैं कि वृक्ष की जिम्मेवारी है कि हमें ऑक्सीजन देता रहे, हमारी जिम्मेवारी नहीं उस वृक्ष को बचाना। हम तो हक लेकर के आए हैं कि वो वहां खड़ा रहे, हमको ऑक्सीजन देता रहे। हम तो जैसे हक लेके आए हैं कि धरती माता है, उसकी जिम्मेवारी है हमारा पेट भरती रहे। जी नहीं, अगर इस धरती मां का दायित्व है तो उसके बेटे के संतान के नाते हमारा भी दायित्व है। अगर वृक्ष का हमको ऑक्सीजन देने का दायित्व हमको लगता है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है उसका लालन पालन करूं। और जब ये सौदा, ये जिम्मेवारियां असंतुलन पैदा करती है, देने वाला तो देता रहे, लेने वाला कुछ न करे वो भोगता रहे, तब समाज में असंतुलन पैदा होता है, व्यवस्थाओं में असंतुलन पैदा होता है, प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है, और तब जाकर के ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। आज सारी दुनिया कह रही है कि पानी का संकट मानव जात के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है, और ये हम न भूले। अगर हम आज एक गिलास भी पानी पीते हैं या एक बाल्टी से स्नान भी करते हैं तो वो हमारे मेहनत का परिणाम नहीं है, और न ही वो हमारे हक का है। हमारे पूर्वजों ने सजगता से काम किया और हमारे लिए कुछ छोड़ के गए, उसके कारण वो प्राप्त हुआ है, और ये है हमारी भावी पीढ़ी के हक का। आज मैं मेरी भावी पीढ़ी का खा रहा हूं, मेरा भी जिम्मा बनता है कि मेरे पूर्वज जिस प्रकार से मेरे लिए छोड़ करके गए, वैसे ही मुझे भी आगे वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाना होगा। इस भावना को जागृत करने का प्रयास, पर्यावरण की रक्षा का एक बहुत बड़ा आंदोलन धर्मस्थल से प्रारंभ हो रहा है। मैं समझता हूं ये पूरे ब्रह्मांड की सेवा का काम है। हम किस प्रकार से प्रकृति के साथ जुड़े, 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। धर्मस्थल से इतना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है, और एक बार धर्मस्थल से आंदोलन शुरू हुआ हो, डॉक्टर हेगड़े जी के आशीर्वाद मिले हैं, तो मेरा तो भरोसा है कि सफलता निश्चित हो जाती है। आज हम हमारी बुद्धि शक्ति लोभ के कारण
इस धरती माता को जितना चूसते हैं चूसते ही रहते हैं। हम कभी इस मां की परवाह नहीं करते हैं कि कहीं मेरी मां बीमार तो नहीं हो गई है। पहले एक फसल लेता था, दो लेने लग गया, तीन लेने लग गया, भांति भांति की लेने लग गया, ज्यादा पाने के लिए ये दवाई डालता रहा, वो केमिकल डालता रहा, वो फर्टिलाइजर डालता रहा, उसका जो होगा तो होगा, मुझे तत्काल लाभ होता जाएगा, इसी भाव से हम चलते रहे। अगर यही स्थिति चली तो पता नहीं हम कहां जाकर के रुकेंगे। क्या धर्मस्थल से डॉक्टर हेगड़े जी के नेतृत्व में हम आज एक संकल्प कर सकते हैं क्या? हमारे इस पूरे क्षेत्र में सब किसान ये संकल्प कर सकते हैं क्या कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम जो यूरिया का उपयोग करते हैं उस यूरिया को 50% पर ले आएंगे, आज जितना करते हैं उसको आधा कर देंगे, आप देखिए धरती मां की रक्षा के लिए कितनी बड़ी सेवा। किसान का पैसा तो बचेगा, उसका खर्च बचेगा, उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, और उसके बावजूद भी उसका खेत और खलिहान वो धरती माता हमें आशीर्वाद देगी, वो ज्यादा अतिरिक्त मुनाफा का कारण बनेगा। उसी प्रकार से पानी, हम जानते हैं कर्नाटक के अंदर अकाल के कारण कैसी स्थिति पैदा होती है, बिना पानी कैसा संकट आता है, और मैंने तो देखा है हमारे येदुरप्पा जी को सुपारी के दाम गिर जाए तो मेरा गला आकर के पकड़ते थे, गुजरात में मुख्यमंत्री था तो भी वो कहते थे मोदी जी आप खरीद लो लेकिन हमारे मैंगलोर इलाके को बचा लो, वो दौड़ करके आते थे। पानी, क्या हमारे किसान माइक्रो इरिगेशन की ओर 2022 तक टपक सिंचाई पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं क्या? बूंद बूंद पानी एक मोती की तरह उसका उपयोग कैसे हो, मोती से मूल्य सा बूंद बूंद पानी का मूल्य समझ के कैसे काम करें, अगर इन चीजों को हम लेके चलते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब मैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहा था, भारत सरकार ने एक नया अभी इनिशिएटिव लिया है, जेम, GEM। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो खास करके हमारे जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको मैं निमंत्रण देता हूं, जो भी कोई उत्पादन करता है, जो अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहता है, वो भारत सरकार का ये जो जेम पोर्टल है उस पर अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है ऑनलाइन, और भारत सरकार को जिन चीजों की जरूरत है, राज्य सरकारों को जिन चीजों की जरूरत है, वे भी उस पर लिख जाते हैं, कहते हैं भाई हमें इतनी चेयर चाहिए, इतने टेबल चाहिए, इतने ग्लास चाहिए, इतने रेफ्रिजरेटर चाहिए, जो भी उनकी आवश्यकता है वो उस पर डालते हैं। और जो जेम में रजिस्टर होते हैं गांव के लोग भी, वो आते हैं आगे, भाई मेरा माल है, मेरे पास 5 चीज है, मैं बेचना चाहता हूं, सारी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। पिछले साल मैंने 9 अगस्त को इसको प्रारंभ किया था, नई चीज थी, लेकिन देखते ही देखते देश की करीब 40,000 ऐसे उत्पादन करने वाले लोग उस जेम के साथ जुड़ गए। देश के 15 राज्य उन्होंने एमओयू कर लिया और हजारों करोड़ रुपए का कारोबार सरकार जो खरीदना होता है वो जेम के माध्यम से आता है, टेंडर नहीं होता है,
पर्दे के पीछे कुछ नहीं होता है, सारी चीजें कंप्यूटर पे सामने होती हैं। जो चीज पहले 100 रुपये में मिलती थी, आज स्थिति आ गई है कि सरकार को 50 और 60 रुपये में मिलना शुरू हो गया है। सिलेक्शन के लिए स्कोप मिलता है, और पहले बड़े बड़े लोग सप्लाई करते थे, आज गांव का एक गरीब व्यक्ति भी कुछ चीज बनाता है वो भी सरकार को सप्लाई कर सकता है। ये सखी, ये हमारे जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अपनी प्रोडक्ट उसमें बेच सकते हैं। मैं उनको निमंत्रण देता हूं, और मैं कर्नाटक सरकार को भी आग्रह करता हूं, हिंदुस्तान के 15 राज्य, इन्होंने भारत के सरकार के साथ जेम के साथ एमओयू किया है, कर्नाटक सरकार भी देर न करे, आगे आए। इससे कर्नाटक के अंदर जो सामान्य व्यक्ति उत्पादन करता है उसको एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाएगा। सरकार एक बहुत बड़ी खरीदार होती है, जिसका लाभ यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो चीज उत्पादित करता है उसको एक अच्छा एश्योर्ड मार्केट मिल जाएगा, और उसको गारंटी अमाउंट भी मिलेगा। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार इस निमंत्रण को स्वीकार करेगी, और कर्नाटक के जो सामान्य लोग हैं उनके फायदे में जो चीज जाती है वो उनको लाभ मिलेगा। हमने आधार, आज देखा आपने, रुपए कार्ड को आधार से जोड़ा है, मोबाइल फोन से जोड़ा है, बैंक की सेवाएं मिल रही हैं। हमारे देश में गरीबों को लाभ मिले से कई योजनाएं चलती हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि जिसके लिए योजना है उसी को जाता है कि किसी और जगह पे जाता है, बीच में कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रुपये को घिसने वाला पंजा कौन होता है? ये कौन सा पंजा है जो रुपये को घिसता घिसता 15 पैसे बना देता है? हमने तय किया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा तो गरीब के हाथ में 100 के 100 पैसे पहुंचेंगे, 99 नहीं, और उसी गरीब के हाथ में पहुंचेंगे जिसका इस पर हक है। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की परंपरा चलाई, रजिस्ट्रेशन किया, और मैं इस पवित्र स्थान पर बैठा हूं, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी के बगल में बैठा हूं, यहां की पवित्रता का मुझे पूरा अंदाज है, ईमानदारी का पूरा अंदाज है, और उस पवित्र स्थल से मैं कह रहा हूं हमारे इस एक प्रयत्न के कारण अब तक, अभी तो सब राज्य हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, कुछ राज्यों ने इनिशिएटिव लिया है, भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, अब तक 57,000 करोड़ रुपीज, 57,000 करोड़ रुपया जो किसी गैर कानूनी लोगों के हाथ में चला जाता था, चोरी हो जाता था, वो सारा बंद हो गया और सही लोगों के हाथ में सही पैसा जा गया। अब मुझे बताइए, जिनकी जेब में हर साल 50-60 हजार करोड़ जाता था, उनकी जेब में जाना बंद हो गया, वो मोदी को पसंद करेंगे क्या? वो मोदी पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी के बाल नोच लेंगे कि नहीं नोच लेंगे? आफत आती है दोस्तों, लेकिन मैं ऐसी पवित्र स्थान पर खड़े होकर के कह रहा हूं, हम रहे या न रहे इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमने अपने लिए जीना ही नहीं सीखा है, हम बचपन से औरों के लिए ही जीना सीख करके आए हैं, और इसलिए भाइयों बहनों मेरे लिए सौभाग्य है। एक विचार मेरे मन में आता है, वो भी मैं डॉक्टर वीरेंद्र जी के सामने रखने की हिम्मत करता हूं, मैं उसकी वैज्ञानिक चीजों को ज्यादा जानता नहीं हूं,
एक लेमैन के नाते बताता हूं और मैं मानता हूं आप करके दिखाएंगे। हमारे जो समुद्री तट हैं, मैंगलोर के बगल में समुद्री तट हैं, समुद्री तट पर हमारे जो मछुआरे भाई बहन काम करते हैं वो साल में कुछ महीने ही उनको काम मिलता है, बाद में बारिश आ जाती है तो छुट्टी का समय हो जाता है। एक और काम है जो हम समुद्री तट पर कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं, और वो है सी वीड की खेती। लकड़ी का एक बनाना पड़ता है तरापा, उसमें कुछ बीज डाल करके समंदर के किनारे पर छोड़ देना होता है पानी में, वो तैरता रहता है और 45 दिन में फसल तैयार हो जाती है। बहुत देखने में बहुत सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर होती है और भरपूर पानी से भरी होती है। आज फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड के लिए, B12 के लिए ये बहुत बड़ा ताकतवर पौधा माना जाता है। लेकिन मैं एक और काम के लिए सुझाव देता हूं, हमारे यहां के समुद्री तट पर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा इस प्रकार की सीवीड की खेती प्रारंभ की जाए। 45 दिन में फसल आना शुरू होगा, 12 महीना फसल मिलती रहेगी और वो जो पौधे हैं, जब किसान जमीन को जोते उसके साथ जमीन में मिक्स कर दिया जाए, उसके अंदर भरपूर पानी होता है और उसमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। एक बार हम इस धर्मस्थल के अगल बगल के गांवों में प्रयोग करके देखें, मुझे विश्वास है कि यहां की जमीन को सुधारने के लिए इस सीवीड के पौधे बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। बहुत मुफ्त में तैयार हो जाते हैं, उससे हमारे मछुआरे भाइयों को भी इनकम हो जाएगी और उसमें जो पानी का तत्व है वो जमीन को पानीदार बनाते हैं, बड़ी ताकतवर बनाते हैं। मैं चाहूंगा कि धर्मस्थल से प्रयोग हो, अगर यहां पर उस प्रयोग हो, कोई आपके साइंटिस्ट हैं, आपके एजुकेशन के लोग हैं, उसका जो अध्ययन करेंगे मुझे जरूर रिपोर्ट भेजिए। मैंने कहा सरकार को मैंने काम कभी कहा नहीं है, मैं पहली बार यहां कह रहा हूं, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि मुझे लगता है कि आप प्रयोग करेंगे और सरकार के नीति नियमों का बंधन आ जाता है। आप खुले मन से कर सकते हैं और आप देखिए उस जमीन इतनी बदल जाएगी, उत्पादन इतना बढ़ जाएगा, कभी सूखे की स्थिति में भी हमारा किसान कभी परेशान नहीं होगा। तो धरती माता की रक्षा के अनेक हमारे प्रकल्प हैं, उन सबको लेकर के चलेंगे। मैं फिर एक बार आज इस स्थान पर आया, डॉक्टर वीरेंद्र जी के मुझे आशीर्वाद मिले, मंजुनाथेश्वर के आशीर्वाद मिले, एक नई प्रेरणा मिली, नया उत्साह मिला। अगर इस इलाके की सामान्य पढ़ी लिखी माताएं बहनें, 12 लाख बहनें अगर कैशलेस के लिए आगे आती है तो मैं इस पूरे जिले से आह्वान करूंगा, हम उन बहनों से पीछे नहीं रहना चाहिए। उन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम भी भीम ऐप का उपयोग करना सीखें, हम भी कैशलेस ट्रांजेक्शन को सीखें। आप देखिए देश में ईमानदारी का युग प्रारंभ हुआ है, ईमानदारी को जितनी हम ताकत देंगे बेईमानी की संख्या कम होना बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। कोई वक्त था जब बेईमानी को ताकत मिली थी, अब वक्त है ईमानदारी को ताकत मिलेगी और यही ताकत है। अगर हम दिया जलाएंगे तो अंधियारा का जाना तय होता है, अगर हम ईमानदारी को ताकत देंगे तो बेईमानी का हटना तय होता है। उसी एक संकल्प के साथ आगे बढ़े, मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को मेरी बहुत शुभकामनाएं और उनको मैं प्रणाम करता हूं। 50 वर्ष के सुदीर्घ काल, आने वाले 50 साल तक वो देश को, इस क्षेत्र को उतनी ही सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।